चलिए प्रार्थना करते हैं। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं भूर्ब्रह्मानमा नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं आनन्दम् विश्वतीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावतीतत्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमः। सबको नमस्कार के साथ मैं आप लोगों को आज पुनः वह जो हमारी जो कोर्स है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे और इसके बाद हम लोग उस कोर्स को जो प्रैक्टिकल है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं आपको जो पुराना हमने जो आपको क्लास लिया था उसका रिवीजन करेंगे। एक मिनट। और उसके साथ हम लोग आज जो अभी तक जो हम लोग पढ़ लिए तो उसमें आप लोगों ने कितना समझा और उसकी फिर व्यवहारिकता पर हम लोग आज इसके बाद प्रवेश करेंगे। वो ये मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष जी। तो देखिए ये आप लोगों को दिख रहा है, रंजा दीदी म्यूट कर लीजिए, मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो ये जो आप लोग आप अभी देख रहे हैं ये पीपीटी, हमने इस पर बायोसाइकोलॉजी पर जो ग्लैंड्स वृत्ति पर जो हम चर्चा किए थे, देखिए तो एक सरसरी निगाह के साथ हम आपके समक्ष अभी बताते जाएंगे कि हम लोगों ने बात किया संस्कार के ऊपर और अष्टांग योग साधना से जोड़ करके बताया कि किस प्रकार जो हमारी जो शरीर मन आत्मा का सामंजस्य है उसमें हमारी जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो ये दिख रहा है आपको, ये चार पुरुषार्थ कहलाता है। तो ये आपका जो चार पुरुषार्थ है फिजिकल साइकिक साइको स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल, ये चार जो तरंग हैं ये किस प्रकार हमारी वृत्तियों के साथ जुड़े होते हैं। और अभी जो साधना हम लोगों ने सीखा उस साधना में जितने लोग साधक हैं और जो लोग साधना सीखे, अभी कल हमने जो हमारी अंजलि दीदी फिर कविता दीदी और ये संजना दीदी, इन लोगों ने जो साधना सीखा और फिर आगे और भी जो लोग हैं साधक यहाँ पर मतलब और सीखेंगे, तो इन सबों को लेकर हम लोगों ने अभी ये देखा कि जो ये संस्कार और वृत्ति और फिर उसके आधार पर फिर उसके बाद उस उनके व्यवहार, इनका एक तरंग आपस में जुड़ता है। ये चार्ट आप लोग कितना समझ पा रहे हैं उसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हुए समझाते हैं। देखिए कि हम लोगों ने योग की परिभाषा दिया आपको, योग का अर्थ होता है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, संयोग अयोग इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मा, यानी जीव का शिव से मिलन। तो ये जो आपका तरंग आपकी जो भी का वृत्तियाँ हैं
जी इन वृत्तियों के बारे में हम अभी ये किए, ये वृत्तियाँ आपके चक्रास से जुड़ी हैं और चक्रास के साथ हमारी ग्लैंड्स ग्रंथियाँ होती हैं। तो इन ग्रंथियों के साथ जो वृत्तियाँ आपकी होती है, तो पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि, कि योगा है चित्त वृत्ति निरोधा। अब आप देखिए कि आपके सामने ये तस्वीर दिख रहा है कि जिसमें आपको हमने कई क्लास में बताया कि हमारी जो बॉडी है, शरीर है, उन शरीर में जो ग्रंथियाँ होती है, ग्लैंड्स होती है, उसकी ग्लैंड से जुड़ा हुआ ये प्रोपेंसिटीज है। देखिए फिर से कि हमारी जो शरीर में ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उन ग्लैंड्स की जो हार्मोन्स निकलती है, वह आपको हार्मोन्स रेगुलेट होती है हमारी संस्कार और वृत्तियों के आधार पर। देखिए फिर से, अभी आपके बॉडी में नीचे से ऊपर तक जो ग्लैंड्स हैं, वो देखिए हमारी मेरुदंड जो रीढ़ है हमारी, उनके बिल्कुल बराबर या बीचों बीच है। अगर दो है तो बराबर है, जैसे टेस्टिस पुरुषों में और माताओं में उभरी, तो ये दोनों बराबर है, और उसी प्रकार एड्रिनल, ये दोनों बराबर है, मतलब आपकी रीढ़ के बराबर है। और उसके बाद आपका जो थाइमस ग्रंथि है, वह बिल्कुल बीचों बीच है, थायराइड ग्रंथि बीचों बीच है, पिट्यूटरी और पीनियल ऑलमोस्ट बीच में, ये दोनों ब्रेन के अंदर। तो इस तरह से आप ये पाएंगे कि जो आपके जो अब आप इसमें इसका जो कोरिलेशन है, इसका ये का आई मीन ग्लैंड्स का जो वृत्तियों के साथ कोरिलेशन है, इसी को हम लोगों ने आपको पढ़ाया। और अंत में आपको जो सुलोचना दीदी ने जो पंच प्राण और पंच पंच कोश को हमने बताया था, तो उसको उन्होंने कैसे पंच प्राण को कोरिलेट किया, वो आप लोगों ने अभी अभी आज हम उसको भी रिवाइज करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि आपकी जो ये वृत्तियां हैं, अभी इसको थोड़ा वृत्तियों पर एक बात हो जाए कि महर्षि पतंजलि ने ये बात कहा, योगा है चित्त वृत्ति निरोधा। तो योग का अर्थ उन्होंने कहा कि मन की वृत्तियों पर निरोध, निरोध का अर्थ शाब्दिक अर्थ सस्पेंशन होता है, लेकिन सस्पेंशन एक्चुअली सही नहीं है। इसीलिए इसमें आगे महर्षि पतंजलि ने योग को यम नियम से जोड़ा था, अहिंसा सत्यस्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपः स्वाध्याय शूर्पणखा। इसीलिए योग को जब आप यम नियम से जोड़ते हैं, योग ईश्वर प्रणिधान से जैसे जुड़ता है, तो वह जीव का शिव से मिलन यानी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है, यह परिभाषित हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को जो ये वृत्तियों की जो बात आप देखे थे कि 50 वृत्तियां जो आपकी हैं, इन 50 वृत्तियों में आपका आधार क्या था, वो था काम अर्थ धर्म और मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष के आधार पर आपने ये देखा कि आपके मूलाधार चक्र में जहाँ आपका रीढ़ का अंत होता है, उस रीढ़ के अंत में आपने ये वृत्तियों को देखा। और अब ये समझ लीजिए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 वृत्तियों का जो रूपांतरण है, या तो सिर्फ मूलाधार चक्र पर है, लेकिन स्वाधिष्ठान, मणिपुर और अनाहत, ये 3 जो चक्र हैं। स्वाधिष्ठान में अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता, मणिपुर में लज्जा, पिशुनता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, कसाय, तृष्णा, मोह, घृणा और भय। अब आप देख रहे होंगे मेरी कर्सर को, आप देखिए कि हम यहाँ पर आपको स्वाधिष्ठान चक्र दिखा रहे हैं और ये मणिपुर चक्र है। अब आप ये समझिए कि स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, इनमें जो दो चक्र में जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों का संबंध जिस ग्रंथ से जुड़ा है, उसमें पशु वृत्ति आता है, पशु के ज्यादा स्वभाव दिखते हैं।
और ये अनाहत चक्र से आपका मानवीय वृत्ति शुरू हो जाता है। आशा चिंता चेष्टा ममता दंभ, ममता विवेक, दंभ विकलता, अहंकार लोलता, कपटता, वितर्क अनुताप। और उसके बाद जो प्योरली दैविक जो देव मानव काल वाला जो गुण है वो आपका विशुद्ध चक्र में षडज ऋषभ गंधर्व मध्यम पंचम धैवत निषाद, ये सप्तसुर है, सरगम है। षडज सा साउंड ऑफ पीकॉक, मयूर की आवाज, ऋषभ रे साउंड ऑफ बुल, ये सांड की आवाज, गंधर्व ग बकरी की आवाज, मध्यम मा ये हिरण की आवाज, पंचम पा कोयल की आवाज, धैवत ध हाथी की आवाज, अनिषादनी हाथी, सॉरी धैवत ध गधे की आवाज, अनिषादनी हाथी की आवाज। तो आप सोचिए कि इन 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 दस इन सोलह वृत्तियों में आपका सोलह वृत्तियों में आपका आधार क्या है? संगीत, षडज ऋषभ गंधर्व मध्यम पंचम धैवत निषाद, यह आपका आधार है। इसीलिए आपने इस आधार पर जब ओम की शक्ति के साथ आप जब ओम प्रणव ध्वनि है यानी अ उ म ब्रह्मा अ विष्णु उ म ईश, ये जी फॉर जनरेशन, ओ फॉर ऑपरेशन एंड डी फॉर डिस्ट्रक्शन, ब्रह्मा विष्णु महेश जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर यानी जी ओ डी गॉड अ उमा ओम। यहाँ जब आपके ये संगीत के साथ आप जब तरंग प्रकृति के तरंग के साथ जब आपको यह समझ में आ जाता है यह सृष्टि चक्र शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्मा शक्ति सा शिव से शक्ति तय सिद्धि संचरे प्रति संचरे च, यानी शिव और शक्ति जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये ओम जो जो शिव और शक्ति का मिलन है यानी ब्रह्म है, ब्रह्म की ध्वनि है, वह व्यवहारिक रूप में हम फट वौसठ वसठ स्वाहा नमः विश अमृत, ये आपके आपके व्यवहारिकता में प्रस्तुत होगा विशुद्ध चक्र में। और इसका बैलेंस अगर गड़बड़ाया नीचे के तीन चक्र तो आपके थायराइड की ग्रंथि इम्बैलेंस होगी। अब आइए हम लोग एक एक चक्र को देखते हुए रिवीजन करते हैं। हम लोग पहले पढ़े थे जो कि मूलाधार चक्र में जब हमने पढ़ा था काम अर्थ धर्म और मोक्ष, तो ये आपको पता चला कि ये आपकी कौन सी ग्रंथि से जुड़ा है। आपकी कोई भी ग्रंथि यहाँ पर नहीं है, ग्लैंड नहीं है, यह आपका आधार है, यहाँ से आपने शुरू किया था। इसके बाद आपने आगे जब हम लोग आगे बढ़े थे तो हमने स्वाधिष्ठान चक्र पर हमने देखा कि अवज्ञा मूर्छा प्रश्रय अविश्वास सर्वनाश अविश्वास क्रूरता और सर्वनाश, ये जो वृत्तियां दिख रही है आपको ये कौन सी ग्रंथि है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर जो ग्रंथि है वो ग्रंथि कौन सी है आपकी? टेस्टिस और ओवरी, ठीक है। तो टेस्टिस आपका पुरुषों में और ओवरी माता बहनों, ठीक है। ये आपका यहाँ से ग्रंथि शुरू होता है, ये संसार से जोड़ता है। यहाँ पर जल तत्व है। अब आपको जल तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से भी जोड़ करके एक हम आपको चार्ट बताएंगे। पृथ्वी तत्व में आपका मूलाधार चक्र है। अब इनके आधार पर जो आप लोगों ने जितने लोगों ने साधना सीखा और साधना में आप जो लोग सीखना बाकी है लेसन्स, तो आप लोग आगे जब सीखेंगे तो आप लोग तत्व धारणा सीखेंगे। पृथ्वी तत्व आपके मूलाधार चक्र, जल तत्व आपका स्वाधिष्ठान चक्र। ये जल तत्व का नियंत्रण अगर होता है प्रथम शैलपुत्री थी द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचर्य की शक्ति आपके अंदर आती, ब्रह्मचर्य की शक्ति आती है तो आपका जो ये जो जो जल तत्व है यहाँ पर देखे प्रजनन की शक्ति यहाँ से शुरू होती है। इसीलिए यहाँ पर आपका यूरिनरी पॉइंट है और इसका संबंध ऐसे है कि आपके जल तत्व के साथ जुड़ा है और आपको संसार में जो यह जो बचपन है यानी 5 से 12 वर्ष इस पर नियंत्रण करने के लिए इस वृत्ति पर इस चक्र पर
आपको बचपन के बाद किशोरावस्था जब आप प्रवेश करते हैं 13 वर्ष में, तो आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि डेवलप होती है, जो आगे के चक्र में हम आपको बताएंगे। यानी आज्ञा चक्र भी डेवलप होती है 13 वर्ष की उम्र के बाद। म्यूट रखे जरा। सर मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। हाँ, यही तो बात है ना, पिछली बार भी हम आपको बताए थे कि आपको आपको अगर स्वादिष्ठान चक्र समझना है तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड समझना पड़ेगा। चूंकि आप लोग पहले समझ चुके, पहले पढ़ चुके थे, इसीलिए मैं रिवीजन कर रहा हूँ, राइट? तो इसीलिए मैं रिवीजन कर रहा हूँ कि मूलाधार चक्र में, सॉरी, स्वादिष्ठान चक्र में जो जो वृत्तियां हैं, इसका कंट्रोल जब आप 13 वर्ष के होते हैं, यानी 12-13 वर्ष के, जब आपकी सेक्स की ग्रंथि जो यहाँ है, प्रजनन की ग्रंथि, यह ग्रंथि 5 से 12 वर्ष की उम्र में एक्टिव नहीं रहती। इसीलिए इस उम्र में आपको बचपन, इसको जो कहते हैं, इस उम्र में आप कोई भी ऐसी वृत्ति से जुड़े नहीं होते हैं जिस वृत्ति से आप संसार के साथ कोई भी आहार निद्रा भय मैथुन का काम करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन का जो नियंत्रण है, वह भी बचपन में आपका ऊपर की ग्रंथियां करती, लेकिन वह अनोइंग होती है। लेकिन जब आपका इस ग्रंथि का श्राव शुरू हो जाता है, ठीक से समझिए इस बात, इस ग्रंथि का श्राव शुरू हो जाता है, यानी जब किशोरावस्था में, जब टेस्टिस और ओवरी से जब प्रजनन के जो हार्मोन निकलने लगते हैं, तब आपको क्या होता है कि आप उस समय, अगर आपकी समझदारी डेवलप नहीं होती है, अब आपके अंदर जब ऐसा विचार नहीं डेवलप होता है कि आप संसार में आपको कैसे जीना है, स्त्री और पुरुष के बीच में संबंध क्या होना है, मुझे किसी चीज के प्रति आकर्षण होती है, उस आकर्षण को, आहार निद्रा भय मैथुन को कैसे नियंत्रण करना है, फिर यहीं से आपका जो अनाहत चक्र है, अहंकार वृत्ति, यह भी डेवलप होता है। तो इस तरह से स्वाधिष्ठान चक्र और अनाहत चक्र दोनों को कंट्रोल करने वाला जो चक्र है, वह है आज्ञा चक्र। इसीलिए मैंने आपको इस चक्र पे, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पर बात किया, क्योंकि यह चक्र को नियंत्रण करने वाला जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। और वैसे ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड सभी चक्रों को, सभी ग्लैंड्स को नियंत्रण करने वाला चक्र है, ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, आज्ञा चक्र। लेकिन बचपन में 5 से 12 वर्ष की उम्र में वह एक्टिव नहीं रहता है, और जैसे ही आप किशोरावस्था, जब इस ग्रंथि का हार्मोन निकलना शुरू होता है, तो वह एक्टिव हो जाता है। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब है कि इस पर हम और बात करेंगे, ठीक है ना? आगे बढ़िए। अगर हम लोग आते हैं इस पर, हमारा ये तीसरा चक्र है, जहां पर आपका मणिपुर चक्र है, नाभि के पास, और इसका वृत्ति है लज्जा, विषुंता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, कषाय, तृष्णा, मोह, घृणा और भय। यानी आपका यह जो 10 वृत्तियां हैं, इस 10 वृत्तियों में ग्लैंड कौन सी है? एड्रेनल। अब एड्रेनल की ग्रंथि का क्या ऐसा संबंध है कि आदमी लज्जा, विषुंता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, कषाय, तृष्णा, मोह, घृणा और भय। लज्जा का अर्थ है शाइनेस, शर्माना। फिर विषुंता, ये जो दूसरों को कष्ट देकर मजा लेना। ईर्ष्या, यानी आप ईर्ष्या समझ ही रहे हैं, जेलसी, जो डिप्रेशन में जाते हैं और विषाद में, और लेजी होते हैं कि अरे यार ठीक है, करेंगे करेंगे करेंगे, ये जो आलस्य है, ये सब मणिपुर चक्र के एड्रेनल की ग्रंथि की ओवर या अंडर सेक्रेशन से जुड़ी है। अब आपको जो चक्र, वो जो ग्लैंड्स और जो चक्रास के जो वृत्तियां हैं, उन दोनों का आपसी संबंध के ऊपर में
जो हार्मोन्स और उसकी वृत्तियों का जो संबंध है, इस पर आपको क्लास हुआ था, उसकी चार्ट आपको शेयर करने की बात हो रही थी, वो होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। हमारा आज का क्लास का मेन विषय है संस्कार, कि आपके जीवन में जो संस्कार होते हैं, कि कोई व्यक्ति बड़ा दानी होता है, कोई व्यक्ति बड़ा कंजूस होता है, कोई व्यक्ति दयालु होता है, कोई व्यक्ति बड़ा दूसरों को कष्ट देता है, बड़ा राक्षसी होता है, यह सब फिर उसका ये जितनी वृत्तियां दी हुई है, इन वृत्तियों में कोई ना कोई वृत्ति उसके ऊपर प्रबल होती है, यह सब सब आपके कई जन्मों के प्रारब्ध और संस्कार से जुड़े हैं। अब इस तरह से ये ग्लैंड आगे बढ़ते हैं, यह आगे आपको मानवीयता की ओर जब आपको ले जाता है, यानी जब आपके अंदर में साधक के गुण आने लगते हैं। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? आपने पशुओं को देखा है कि पशुओं का मेरुदंड यानी रीढ़ उनका माथे के बराबर नहीं रहता, वो माथा जिस दिशा में होता है, सॉरी जिस ये में, उसी में उनके नीचे की ग्रंथि होती है, यानी कि वह ऐसा रहता है। ठीक है, और आदमी धीरे 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 सीधा हो जाता है, तो आदमी ये सीधा हो गया, रीढ़ सीधी हो गई, जैसे टेढ़ा 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 ऐसे था ऐसे था। पशु में क्या रहता है, जिस दिशा में, जिस लेवल पे, जिस स्तर पे मस्तिष्क होता है, उसी स्तर पे उनकी जी नीचे की ग्रंथि जो होती है वह होती है। तो नीचे की ग्रंथि को कंट्रोल करने के लिए उसकी नियंत्रण किस पे होती है, प्रकृति पे, आहार निद्रा भय मैथुन पे। लेकिन धीरे 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 बंदर बनते 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 जब वो ऐसे हो गया, मैं आपको थोड़ा सा ये स्लाइड हटा के और फिर से दिखाता हूँ, मेरे हाथ को आप देखिए कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए कि मैं, ये पशु है, पशु का ये रीढ़ है, ठीक है, और ये रीढ़ कैसा है, यहाँ मेरा ब्रेन है पशु का, और ये पशु की नीचे की ग्रंथि है, पेशाब प्रजनन की ग्रंथि, ठीक है, तो वो टॉयलेट वाली ग्रंथि यहाँ और उसके बाद सेक्स की ग्रंथि यहाँ नीचे, और ये ब्रेन, दोनों बराबर है, तो इसीलिए वो एक ही स्तर पे रहेगा, तो इसको कमांड नहीं कर सकता ना, इसको इसको उठा नहीं सकता। धीरे 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 या सीधा होते होते ये बंदर बना, मनुष्य बना, मनुष्य बनकर अब ये सीधा हो गया। अब मनुष्य का जब रीढ़ सीधा होता है, जिसका जितना रीढ़ सीधा, कुछ लोग देखिए गर्दन ऐसे रखते हैं, वो लोग क्या होते हैं, वो लोग थोड़े से छल कपटी वाले स्वभाव के हो सकते हैं, जो हमेशा नीचे रखते हैं ऐसे, समझ गए? क्यों? क्योंकि उनका ये जो ब्रेन है, पिट्यूटरी, यहाँ पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे सबसे ऊपर, और ये दोनों ग्रंथि उसके हमेशा नीचे के चक्र को के ऊपर मन रहता है, उनका नीचे का चक्र जो अभी आपको दिखाया, कहाँ, नाभि, और नाभि से नीचे। तो पशु वृत्ति में आहार निद्रा भय मैथुन में ही वो जीते हैं, काम में, काम वृत्ति में, और उनके ऊपर में जो धर्म और मोक्ष का भाव, वह जो पिट्यूटरी ग्रंथि और इससे जो होना चाहिए वह नहीं नियंत्रित होता है। अब आइए कि धीरे 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 जब वानवर मनुष्य बना, और युक्त आहार विहारशी युक्त चेष्टशी कर्मशु युक्त स्वप्नावबोधस योग भवति दुखा, तो जब आप इस तरह से ऐसे हुए, तो इस अब ग्रंथ आपकी जो पीनियल ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड है, यह और थायराइड अब आपके नीचे के ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर से फोटो में कि आपका नीचे के ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ये आपकी जो ग्लैंड है, देखिए क्या है, अब यहाँ पर ग्लैंड थाइमस और थायराइड ऊपर में, तो थाइमस और थायराइड के साथ जुड़ा हुआ जो ये है आपका चक्र कौन सा है, ये चक्र है आपका अनाहत चक्र। अनाहत चक्र आपका थाइमस और थायराइड के साथ, अब सॉरी थायराइड के साथ नहीं, थाइमस ग्लैंड के साथ अनाहत चक्र, और विशुद्ध चक्र आपका किससे जुड़ा है, थायराइड के साथ। अब विशुद्ध चक्र में आपने वृत्ति क्या देखा, पहले इसका देख लेते हैं। आपने आपने इसका क्या वृत्ति देखा, इसकी वृत्ति देखा आपने
आशा चिंता चेष्टा ममता दम्भ विवेक विकलता अहंकार लोलता कपटता वितर्क अनुताप। यानी आपने इसके अंदर क्या वृत्ति देखा? आशा चिंता चेष्टा ममता और विवेक, ये पांच वृत्तियां आपकी मानवीयता की वृत्ति है। दम्भ विकलता अहंकार लोलता कपटता वितर्क अनुताप, ये पशु से मनुष्य का जो 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 छल कपट वाला जो भाव जो पशुओं में होता है, उन पशुओं में जो लोग जैसे लोमड़ी है या कुछ जो हद तक जो पशु पक्षियों में भी जैसे कौवे वगैरह या जो भी कहा जाता है, उनके अंदर ये सब वृत्तियां हैं। लेकिन सेवा भावना ही ज्यादातर पशु में वृत्ति में रही है, लेकिन उनका आहार निद्रा भय मैथुन से नियंत्रण है। मनुष्य अपनी चेतना का दुरुपयोग करके इन वृत्तियों पर को प्रभावशाली करता है, जैसे विकलता लोलता। अब लालच पशु वृत्ति में इस तरह से होती है कि उसको जितनी जरूरत है उसके अनुसार, इस लालच को वह अगर अपने पिट्यूटरी ग्रंथि जो बुद्धि है उससे अगर वो जोड़ देता है, तो कहते गांधी जी बोलते थे कि दिस वर्ल्ड इज फुलफिलिंग एवरीबडी इज नीड बट नॉट एवरीबडी इज ग्रीड। यह संसार इस दुनिया के सबों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन सबों के लालच की पूर्ति नहीं कर सकता, ग्रीड की पूर्ति नहीं कर सकता। तो जिसके कारण आज संसार में 5% जो जनसंख्या है उसके 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 पास दुनिया की 99% दौलत है। ये बात आप समझिए कि आज ये पूरी जो वृत्ति है यह सब इसीलिए, क्योंकि जो मानवीयता है, जो मानवीयता सेवा और साधना से जुड़ा है और दया करुणा कृपा से जुड़ा है, वह सारी वृत्तियां संगीत से जुड़ा है। षडज ऋषभ गंधर्व मध्यम पंचम भगवत निषाद ओम हम फट वसट वसट स्वाहा नमः विश्व अमृत षडज सारि सवरे गंधर्व गा मध्यम मा पंचम बा धैवध निषादनी सारे गा मा पाधनी ओम। यह आप संगीत के बारे में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, इन वृत्तियों को जोड़ने वाला मनुष्य जब संगीत सीखा, किसे सीखा? शिव से। शिव ने ही पहला संगीत सिखाया धरती पर, सुर ताल नृत्य तीन मिलो संगीत। अब सुर ताल नृत्य ये पूरी जो विज्ञान है वह सब कुछ संगीत से जुड़ी, पूरा विज्ञान अक्षर वर्णन से अक्षर अक्षर विज्ञान से निकला है। आ आ ई ई उ उ ए ऐ ओ औ अं अः। अब आइए थोड़ा सा हम आपको पीछे ले जाते हैं, देखिए एक मिनट सॉरी, ये पीछे ले जाते हैं आपको। जरा गिनिए, इसको गिनिए, कितनी वृत्तियां हैं? 50। मूलाधार में 4, काम अर्थ धर्म और मोक्ष, ये सब वृत्तियों को याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आज इस पीपीटी को दोबारा मैं शेयर कर दूंगा और इस सब वृत्तियों को याद कर लिया। जो भाई बहन नया आज 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 ग्रुप में नहीं है, ठीक है, तो वो लोगों से निवेदन है कि आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा और यह इसको नोट कर लीजिएगा। नंदिनी बहन, नंदिनी अग्रवाल और कौन है, और आईफोन से कोई है वो पता नहीं उनका नाम, ठीक है, तो आप लोग ये कर लीजिएगा। और जो रंजना दीदी हैं वो शायद इस ग्रुप में हैं कि नहीं, एक बार हमें बता दीजिएगा कि होलिस्टिक। तो ये आपको वृत्तियों को याद करना, आज इस क्लास के बाद हम लोग रिविज़न नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे और अगले महीने से हम आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे, ठीक है ना। आप नंदिनी दीदी आप अपना नंबर यहीं पर लिख दीजिए, यहीं जहाँ आपने मैसेज लिखा वहीं पर अपना नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में, ठीक है। तो ये जो वृत्तियाँ हैं 50 वृत्तियाँ, सबसे निवेदन है कि अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, चिकित्सक बनना चाहते हैं, कौन सा चिकित्सक? होलिस्टिक हेल्थ थेरापिस्ट, जिसके लिए हम लोगों ने जो जहाँ पर कल कविता कविता बहन
फिर उसके संजीदा संजीदा बहन अंजलि दीदी गई थी साधना सीखने हमारा भरतपुर में मथुरा के पास। वहाँ पर हम लोग आयुर्वेद और योग नेचुरोपैथी और एलोपैथी मल्टीपैथी कॉलेज खोल रहे हैं। वहाँ पर हॉस्पिटल ऑलरेडी शुरू हो चुका है दोनों की, आयुर्वेद की भी और इसकी भी योग की इसकी एलोपैथी की भी। अब उसको वहाँ पर जो कोर्स आगे जो हम लोग पढ़ाएंगे वो तो जब शुरू होगी तब डिग्री कोर्स शुरू में तो दोनों की अलग अलग होगी, आयुर्वेद की और एलोपैथी की, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी की। लेकिन एक कोर्स हम लोग धीरे धीरे पैरेलल चलाएंगे कुछ स्पेशल सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए जिनको हम लोग पाँचों पैथी एक साथ पढ़ाएंगे, और उस पाँचों पैथी में हम लोग उनको जो डिग्री देंगे वो डिग्री का नाम होगा BVHS। BVHS मीन्स बैचलर ऑफ वैदिक वेलनेस एंड होलिस्टिक हेल्थ साइंसेस। यानी इसमें आपको वैदिक वेलनेस, हम वेद की बात, वैदिक वेलनेस में आपको मैंने बोला कला, अभी आपको मैंने 50 वृत्तियों का नाम लिया। अगर आप इस 50 वृत्तियों के बीज मंत्र पढ़ जाएंगे, मैं आपको एक नोट्स आपको शेयर किया था जिसमें आप लोग इनके अक्षर पढ़ सकते हैं। मैं अगली बार इस अगर मुझे अगर कोई आप लोग मदद करें, कविता दीदी से मैं निवेदन करूंगा कि इसके अक्षर लिख दें उस नोट से देखकर, और इसके आगे जो काम वृत्ति है उसका अक्षर कौन सा है, मतलब अ आ ई ई उ ओ ए, ये 50 वृत्तियों के 50 स्वर और व्यंजन अक्षर हैं, और इन सातों चक्र में से 5 चक्र के बीज मंत्र हैं ल ल व र य और ह, लंग वंग रंग यंग हंग और ओम। ये वृत्तियों के सब बीज मंत्र हैं, और विज्ञान को जितने भी वैज्ञानिक हैं, बिना कला के कोई वैज्ञानिक नहीं हो सकता। सबसे बड़ा उदाहरण इस इतिहास में लियोनार्डो दा विंसी हुए। लियोनार्डो दा विंसी आर्टिस्ट भी थे, साइंटिस्ट भी थे। इसीलिए आप लोग अगर साइंटिस्ट अगर आप लोग अगर किसी वैज्ञानिक को आप लोग स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि वो आध्यात्मिक है। इसीलिए आप लोगों को इस वृत्ति विज्ञान को अगर आप समझेंगे कि किस प्रकार यह वृत्ति या चक्र या मंत्र एक अक्षर दूसरे अक्षर से मिलकर के मंत्र बन रहा है, और बीज मंत्र यानी एक अक्षर का जो जो मंत्र है जैसे लंग वंग रंग यंग हंग, यह सब बीज मंत्र, और ओम भी बीज मंत्र नहीं है, ओम 3 अक्षरों से मिला अ उ म। तो इस तरह से जो भी है, और बीज मंत्र ओम को भी फिर बाद में कह सकते हैं, लेकिन वह किसी गुरु का मंत्र नहीं है, यह सृष्टि की ध्वनि। इसलिए ओम पर साधना अगर किसी गुरु से दीक्षा लिए बिना अगर करेंगे तो आपकी कुंडलिनी अगर जागृत हो गई तो कुंडलिनी कंट्रोल में नहीं रहेगी आपकी, आप विक्षिप्त हो सकते हैं। इसीलिए ओम की साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करनी है। और बीज मंत्र जितने मिले, जैसे हंग शो सो हंग मंत्र है, या शिव है, या कृष्ण है, या राम है, ये सब बीज मंत्र, हरिओम है, ये सब जितने भी मंत्र हैं, ये सब मंत्र को आप लोग सब लोग जब आप लोग ये साधना सीखेंगे, और इस साधना में जो बीज मंत्र की साधना जब आप लोग सीखेंगे तो बीज मंत्र की साधना में आप लोग इस सृष्टि की जो ध्वनि है, सृष्टि की जो तरंग है, जो 50 तरंग है, 50 जो आज नोट्स में आप लोग देख लेना जितने लोग भी हमारे साथ ग्रुप में हैं, और जो लोग नए हैं वो लोग अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा प्लीज, तो आप लोगों को यह पता चलेगा कि 50 वृत्तियों में आपको 50 हमारे स्वर और व्यंजन का अक्षर वर्ण और विज्ञान जो है उसका जन्म इसी स्वर और व्यंजन अक्षर माला से हुआ है। मतलब कितना बड़ा बात है जो आज के वैज्ञानिक जो अपने आप को बड़े बड़े समझते हैं, और उनके सामने कैंसर का मरीज आता है तो कहते हैं कि ये वाला अंग निकालना होगा, ये वाला अंग निकालना होगा, और एक योग और आयुर्वेद का व्यक्ति जब उनके प्रकृति को देखता है, वात पित्त कफ को,
और देखता है कि इसमें जल जल की कमी हुई कि अग्नि की कमी हुई, अग्नि की बहुतायत हुई कि आकाश की कमी हुई कि वायु की कमी हुई। इन पंचमहाभूत में वो त्रिदोष का नियंत्रण करता, वात पित्त और कफ। और वात पित्त कफ के अनुसार एक योगी, एक आयुर्वेद आचार्य उसकी डाइट चार्ट बनाता है और कैंसर का मरीज ठीक होने लगता है। अभी जितने कोरोना के मरीज मरे, 55,000 लोग विश्वरूप राय चौधरी के पास नहीं मरे, उनको भी कोरोना पॉजिटिव था। एक केस ऐसा आया जिसका कि ऑक्सीजन लेवल 40 था, 30 या 40 था, वो अभी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के पास युक्त आहार विहार युक्त चश्य कर्मशु युक्त सपना बोधस योग भवती दुखा। सिर्फ वो उन्होंने काम सिर्फ और सिर्फ डाइट पर काम किया, आहार पे। मैंने यह आहार का श्लोक भगवान कृष्ण का भगवद गीता का श्लोक आपको इसीलिए सुनाया क्योंकि अगर आप लोग आहार को प्रकृति के साथ, पंचमहाभूत के साथ, ये पांच चक्रों के साथ, इन वृत्तियों के संबंधों के साथ, इनके इन इन 50 वृत्तियों के जो हमारे मन को तरंगों के साथ जोड़ करके अगर आप लोग सीख लें तो आप लोग बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएंगे और इतना बड़ा काम आप लोग कर पाएंगे कि आप लोग इस धरती पे जो रिवॉल्यूशन जो होना है, क्रांति जो होनी है, वह क्रांति ये होगी कि जो भगवान का जो दिया हुआ यह शरीर है, कुमाराचित प्राग्यो धर्मान्य दुर्लभम मनुष्य जन्म तदपि ध्रुव मर्तदम, यानी मनुष्य का शरीर जिसने प्राप्त किया उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष। देखिए आपकी जो पहली वृत्ति जो हमने आपको दिखाया, पहली वृत्ति में आपको ये देखिए क्या है, ये आपको हमने क्या कहा, मूलाधार चक्र क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ का केंद्र है मूलाधार चक्र। हमने आपको कुंडलिनी योग साधना, जो अष्टांग योग साधना जिन लोगों ने भी सीखा, और अष्टांग योग साधना में पहले यम नियम के बिना और आसन पर जब ज्यादा जोर डालना शुरू किए जिन योगाचार्यों ने, योगियों ने, उन्होंने महापाप किया। और जिन्होंने सिखाया आसन और प्राणायाम और हठ योग को बिना यम नियम के सिखाया, जिन जिन लोगों ने यम नियम के बिना साधना किया और कराया, उन लोगों ने अपना और समाज दोनों का क्षति किया और कर रहे हैं, जो पावर योगा के नाम पे और क्या क्या नाम पर चल रहा है, इसको कौन दूर करेगा। और आयुर्वेद का बिना बिना ज्ञान के, आपको बिना प्रकृति के नॉलेज के जब आपने आहार ग्रहण किया और आपने तामसिक आहार लेकर के और आपने योगासन किया, आपकी नाड़ी शोधन नहीं हुई, आप ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को बैलेंस करना नहीं सीखे, तो आपने मूलाधार चक्र पे आपने क्या किया, काम वृत्ति को पशु मानव बना दिया और आपने इस संसार को भोग 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 से जोड़ दिया। और ईशो उपनिषद मतलब बताइए, मैंने जो BVHS की डिग्री की जो बात किया, बैचलर ऑफ होलिस्टिक हेल्थ है ना, वैदिक वेलनेस एंड होलिस्टिक हेल्थ साइंसेज, जिसमें हम योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी और साथ साथ मॉडर्न मेडिकल साइंस भी पढ़ाएंगे और आज हम पढ़ा भी रहे हैं। यह इसीलिए क्योंकि लोहा लोहा को काटता है। हमारे गुरुकुल के बच्चे अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो वह संस्कृत पढ़ाने के लिए जब विदेश जाएंगे तो किस किस माध्यम से पढ़ाएंगे, और पूरी दुनिया जो अंग्रेजियत का माया जाल है उनके सामने आप कैसे खड़े होंगे। इसीलिए आपको उनका हथियार तो सीखना ही होगा, जो मैकॉले की शिक्षा पद्धति के द्वारा हमारे देश की चिकित्सा को खत्म कर दिया और तेजी से खत्म करता जा रहा है। इसीलिए आप लोगों को, जितने लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो 5 हो या 10 हो, आप लोग सब लोग, जो लोग भी आज आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को, वह समझिए कि ये जो चार पुरुषार्थ है, काम अर्थ धर्म और मोक्ष, इसके आधार पर पूरी आपकी योग साधना आयुर्वेद आधारित है और इसको आप लोगों को सीखना और समझना और जीवन में पहले अपने अंदर उतारना। तो मैंने इसीलिए आपको कहा कि ये वृत्ति इस चक्र पे फिर से आई है कि अगर आप लोगों को वैज्ञानिक बनना है, अगर आप लोगों को इस सृष्टि को समझना है, तो आपको शरीर के विज्ञान को समझते हुए सृष्टि के संबंधों को जोड़ने हुए समझना पड़ेगा और सृष्टि की तरंगों को समझना पड़ेगा। और सृष्टि की तरंगों को समझने के लिए मैंने आपको कहा कि ये देखिए, मैंने अलग अलग वृत्ति अलग अलग चक्रों को मैंने दिखाया, फिर से मैं आपको आपको ये कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। देखिए आपको मैंने दिखाया मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र में बताया कि आपको कोई भी ग्रंथि नहीं है,
यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है। उसके बाद हमने आपको बताया कि यहाँ पर छह वृत्तियां हैं स्वाधिष्ठान चक्र में, और यहाँ पर ग्रंथि कौन है, टेस्टिस पुरुषों में, भाइयों में और माताओं बहनों में ओवरी। इसके इसके जो वृत्तियां हैं, ग्लैंड्स हैं, हार्मोन सेक्रीशंस हैं, इस पर हमने आपको बहुत कुछ बताया। और आगे जो हम लोग जब डिटेल्ड स्टडी करेंगे, एक एक जब अगले अगले आ, आ, सत्र से जब हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे कि किस प्रकार आपको कौन से आसन कौन से ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और कौन से वृत्ति पर नियंत्रण करता है, कौन से चक्र को प्रभावित करता है, आप उस आसन को किस प्रकार करेंगे और कौन सी नाड़ी शोधन करेंगे, श्वास कैसे लेंगे कैसे छोड़ेंगे, किस प्रहर में करेंगे, कौन सा बीज मंत्र होगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम क्यों नहीं करना चाहिए शुरू में, आप लोगों को किस प्रकार अलग अलग बंद मुद्रा, ये सब जानेंगे। ये आपको ये सब आप इस सीखेंगे जब आप ये यह विज्ञान समझेंगे, अलग अलग तंत्र के बीज मंत्र को, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप अलग अलग चक्रों, जैसे ये स्वाधिष्ठान चक्र का आपने देखा, तो ये मणिपुर चक्र का लज्जा अपिशुनता ईर्ष्या सुषुप्ति विषाद कषाय तृष्णा मोह घृणा और भय। और इसके बाद आपने ये देखा कि यह जो मणिपुर चक्र है, यहाँ पर आपकी कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्रंथि। मैंने बताया जो भी ग्रंथि है आपके मेरुदंड के स्पाइनल कॉर्ड के या तो बीच में है या बराबर, दो है तो बराबर है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा अनाहत चक्र, अनाहत चक्र में आशा चिंता चेष्टा ममता दंभ विवेक विकलता अहंकार लोलता कपटता वितर्क अनुताप, या जो 12 वृत्तियां हैं, इन 12 वृत्तियों का संबंध अनाहत चक्र यानी थाइमस ग्रंथि से जुड़ा है। थाइमस ग्रंथि कहते हैं ना कि ग्लैंड ऑफ लव, या बच्चों को कोरोना नहीं होता था, अब उनको जबरदस्ती बोलता है थर्ड फेज आएगा, मतलब आप कुछ ऐसा बदमाशी करोगे कि अब उनको उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्टर्ब करो। जो इम्यूनिटी होती है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बहुत बहुत मजबूत होती है 5 से 12 वर्ष की उम्र में। लेकिन उनका खाना, अगर आपने माँ के गर्भ से ही अगर आपने नॉन वेजिटेरियन खाना खाया, अगर अगर आपने तामसिक भोजन, ज्यादा जंक फूड जो एसिडिक फूड है वो खाया, तो और उसके बाद आपने बहुत उल्टे पुल्टे विचार लिए आपने, तो बच्चे की माँ के गर्भ से ही बच्चे का जो विकास है वह अनाहत चक्र उसका ठीक नहीं डेवलप होगा। और फिर उसके बाद उस बच्चे की जो ये ग्रंथि है थायराइड और पिट्यूटरी, या थायराइड ग्लैंड जो विशुद्ध चक्र है और ये पिट्यूटरी यानी आगे चक्र, या बराबर डेवलप नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों को यह समझना है कि जो आप यहाँ जितनी हमारी माताएं बहनें हैं उन लोगों को यह बहुत जरूरी है यह जानना कि अगर अगर हम लोग जो प्री नेटल मेडिटेशन, प्री नेटल योग साधना जो आप लोग अच्छे से सीख लें, तो इस सृष्टि में अभिमन्यु का ज्ञान जो आधा दिया पूर्ण होता, तो चक्रव्यूह से निकलने का मतलब क्या है कि जो आपका जो संचर प्रति संचर है, संचर का मतलब होता है संसार में आना, और प्रति संचर मतलब संसार से मुक्त होकर परमात्मा से मिल जाना। तो अभिमन्यु ने संसार में आ करके और संसार के जितने भी बंधन है उसको तोड़ना वो सीख लिया, लेकिन उस बंधन से फिर अपने आप को कैसे मुक्त करके, और आप मान लीजिए आए और आपने साइंस पढ़ लिया, आईआईटी से, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से आप ग्रेजुएट हो गए, और आप एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर लिए, और ज्वाइन करने के बाद आपकी आज्ञा चक्र, ये वाली चक्र आपकी कमजोर हो गई, देखिए ये 1 मिनट, और अब आप ईशो उपनिषद को नहीं समझे, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत याम जगत तेन तक्तेन भुंजितम आग्रदः कश्यश्विदिनम, यानी आपने ये नहीं समझा कि मेरे पास जो कुछ भी हो मेरा नहीं, मैंने अगर बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कर लिया, बहुत बड़ा मैंने मैनेजमेंट कर लिया, मैं बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे ये सारे ज्ञान का मालिक पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित, तो मैं पंडित नहीं हूं इसीलिए क्योंकि मेरे पास तो बंधन है। तो आप देखिएगा कि आपके बच्चों को संस्कार नहीं मिलते, तो अल्टीमेटली आपके सारे ज्ञान बेकार हो गए और आप जाके दारू पी रहे, बहुत बढ़िया सोफिस्टिकेटेड आप पार्टियों में शराब पी रहे, तो आप में और वो ठेके में जो जाके शराब पी रहा है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि शराब पीकर आप भी उसी प्रकार बेहोश होकर गिर सकते हैं या गलत काम कर सकते हैं।
आप भी वो जो कई स्त्रियों के साथ संबंध रखने वाला एक आदमी जो झोपड़पट्टी में रहता है वो भी शायद करता होगा, आप भी वही करते हो। तो व्हाट इज द यूज ऑफ योर एजुकेशन, आपके यह शिक्षा का क्या महत्व है जब आपने बरा और अबरा और इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपने उन चीजों को नहीं समझा जो प्रकृति के साथ परमात्मीय संबंधों को मुक्ति का ज्ञान दे, जो हमने आपको पहले ही ये में मूलाधार चक्र में कुंडलिनी जागरण के ही आधार पे हमने आपको ये दिखाया। धर्म अर्थ का मोक्ष, यानी मोक्ष के लिए आपको धर्म के रास्ते पर अपने अर्थ को इस तरह से परमार्थी बनाना पड़ेगा जीवन के अर्थ को, कि आपका जीवन प्रकृति के सामंजस्य में चले, या नहीं कि आप एटम बम बना के और जाकर के प्रकृति का विध्वंस कर दें, आप पेड़ काट दें और कोरोना जैसी महामारी को ले आए, आप पशु पक्षियों की हत्या कर दें और आपका जीवन खुद ही दुर्लभ, पेड़ पौधे पशु पक्षी जल जंगल जमीन हवा धूप पानी पूरा आपने पर्यावरण डिस्टर्ब कर दिया। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स इज डिस्टर्ब, इकोलॉजिकल डायनामिक्स इज नोन एज इकोनॉमिक्स। बिना पर्यावरण के, बिना प्रकृति का के संबंधों को मैनेज किए, मेंटेन किए, आप समाज निर्माण नहीं कर सकते, आप अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकते, आप इस प्रकृति के साथ आपको जुड़ करके साधना करनी होगी। इसीलिए मैंने आपको आज ये बातें बताया। अब अंत में आपको हम यह जो मैंने 50 स्वर और व्यंजन जो आपको दिखाया था, ये 50 वृत्तियां आंतरिक और बाहिक इसका एक्सप्रेशन यानी इसका प्रभाव होता है, और यह 10 हमारी इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है। तो यह 10, यह जो 50 वृत्तियां आंतरिक और बाहिक, ये 100 है और ये 100 ही कौरव है, और ये 10 इंद्रियों के द्वारा अगर आप संचालित होता है तो यह रावण है, 10 आपके 10 सर वाले रावण। और इन इंद्रियों को अगर आपने भगवान के हाथ में, यानी कि आत्मनम रथिनम विधि शरीर रथमेव तु बुद्धिं तु सारथि विधि मनः प्रग्रमेव च, अगर आपकी आत्मा जागृत है तो आप अपने शरीर को मंदिर बनाइए, शरीर को वह रथ बनाइए जिसमें खुद स्वयं परमात्मा आपके सारथी बनकर आपको गाइड करें कि बेटा है ना, तुमको यह जो चाय है या नहीं पीना है, शराब सिगरेट तो खैर बहुत बड़ी बात है, वो तो बिल्कुल गलत, चाय भी नहीं पीना है, ये वाली चाय, और फिर उसका चीनी नहीं खानी है, ठीक है, गुड़ खाओ चीनी नहीं खाओ। फिर उसके बाद बचपन से जो बचपन बच्चे जो चाउमीन ये मैगी और चिप्स, फिर उसके बाद चॉकलेट, अब आप किसी घर में जाते हैं तो बच्चे को चॉकलेट देते हैं, आप फ्रूट क्यों नहीं देते हैं, खजूर क्यों नहीं देते हैं, काजू बादाम क्यों नहीं देते हैं, बच्चे के लिए वो लेकर जाइए और मेहनत कीजिए खुद घर में, आप उनको अगर बहुत इच्छा है तो आप लोग सब लोग मिल करके आप लोग चॉकलेट आयुर्वेदिक चॉकलेट बनाइए नारियल बादाम काजू और खजूर के साथ, और उसको आप लोग दीजिए सात्विक चॉकलेट, और फिर उसके बाद देखिए बच्चे के ग्रोथ, माताओं को भी जो पंच पूरे जो त्रिदोष नाशक जो वो बनता लड्डू बनाती है हमारे जो बुजुर्ग माताएं हैं जो खिलाती हैं गर्भावस्था में, वो बनाइए। तो इस तरह से आप ये समझिए कि इन पूरी पूरी जो राक्षसी प्रभाव जो है उस प्रभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो अपने शरीर पर फिर से वापस आपको अपने आप को नियंत्रण करना पड़ेगा, और तब जाकर के नियंत्रण करने के लिए आपको ये पंचकोश की साधना, आपको पंचकोश को नियंत्रण, पंचकोश को बैलेंस चक्रों के साथ कैसे करना है ये आपको सीखना होगा। उसको सीखने के लिए हमने आपको 6 लेवल्स ऑफ मेडिटेशन के बारे में बताया, और हमारे कुछ साधक ने बहुत मेहनत करके अपना बहुत बहुमूल्य पैसा खर्च करके, और हम लोग जो गए मथुरा के पास वहाँ साधना सीखी हमारी 3 बहनों ने, आप लोग वो साधना सीखिए जिसमें आप ये पंचकोश को आप लोग बैलेंस करना सीखेंगे, और ये पंचकोश को बैलेंस करने के बाद ये प्राणायाम आसन और सात्विक आहार और यो मेडिटेशन ये सबको आप बैलेंस करना सीखेंगे, और उसके बाद आइए जब ये सब होगा तो ये जो आपको सुलोचना दीदी ने पढ़ाया कि कैसे आप लोग जब ये सब सीखेंगे तो 5 जब ये साधना करेंगे तो आपका ये पूरा 5 पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, जो ये क्या है ये देखो जरा, ये हम कोष फला पे हम देखते हैं, जरा देखिए जरा,
आप लोग अगर आप लोग पढ़े होंगे, ये आपका पृथ्वी तत्व, यहाँ पर आपका पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र में, इसका बीज मंत्र लम ल, ठीक है। उसके बाद ये आपका जल तत्व आपका स्वाधिष्ठान चक्र में, और इसका बीज मंत्र व वम। अब इसके बाद ये आपका मणिपुर चक्र में, और या यहाँ पर है अग्नि तत्व, और इसका बीज मंत्र र रम। और फिर उसके बाद इसका ये है आपका वायु तत्व यहाँ अनाहत चक्र में, और इसका बीज मंत्र यम और या, मतलब यहाँ से आप ला व र या, और फिर ये यहाँ पर वायु तत्व, और यहाँ सॉरी तत्व फिर से हम बता दें, सबसे नीचे मूलाधार चक्र में आपका पृथ्वी, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका स्वाधिष्ठान चक्र में जल, और उसके बाद मणिपुर चक्र में अग्नि। इसीलिए देखिए जठर अग्नि कहते हैं। आप लोग देखेंगे कि जिसकी पेट ठीक नहीं है, यानी अग्नि तत्व गड़बड़ है, उसको पित्त दोष होता है, यानी उसकी अग्नि और ये जल, ये दोनों जो चक्र हैं ये कमजोर होते हैं। इसीलिए जल और अग्नि कमजोर होने से पित्त दोष, ठीक है ना। अब ये पित्त दोष, और उसके बाद वायु और आकाश की गड़बड़ी होगी तो वात दोष, ये वात है। अब आकाश तत्व ये आपका है वायु आपके अनाहत चक्र में, और ये विशुद्ध चक्र में क्या है, आकाश। अब कितना सुंदर कोरिलेशन मैं आपको इस चक्र पर, इस फोटो पर इसीलिए वापस लाया क्योंकि अभी आप लोग पंच पंच महाभूत को आप लोग चक्रों से जोड़ पाएंगे, और चक्रों को आप जो आप लोग ये कोशा से, पंच कोश से जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो आइए फिर से उस स्लाइड पे देखिए, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, नीचे से जाइए, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। रिवीजन के लिए आप लोग को अभी हमने फोटो दिखाया, इस चार्ट को आप लोग जो भी अगर आज आज क्लास कर रहे हो, निवेदन करूंगा कि आप लोग इसको, आप लोग एक चार्ट अगर कंप्यूटर में बना सकें तो प्लीज बना के, ये हिंद हाथ से लिखा हुआ है, इसको आप लोग ये कर दीजिएगा कि आप लोग इसको इसमें वो वृत्ति ये डाल दीजिएगा, आपका चक्र डाल दीजिएगा। चक्र यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे चक्र कौन कौन है, पृथ्वी में आपका कौन सा चक्र, मूलाधार चक्र, जल में कौन सा चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अग्नि तत्व में आपका मणिपुर चक्र, वायु तत्व में आपका अनाहत चक्र, और आकाश तत्व में आपका, आकाश तत्व में बहुत बढ़िया अंजलि दीदी धन्यवाद, और आकाश तत्व में आपका, विशुद्धि आकाश तत्व में आपका कौन सा चक्र, विशुद्धि अच्छा राइट। और इसका कंट्रोलर कौन है जो यहाँ नहीं दिख रहा, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में कौन सा ग्लैंड है, फटाफट कौन बताएगा, आज्ञा चक्र में कौन सा ग्लैंड है, अभी इतना देर से मैं बोल रहा था, अभी आधा घंटा पिट्यूटरी पिचुरी 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 पिट्यूटरी हाँ जी सर, पिचुरी ग्लैंड, कविता 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 दीदी, ठीक है, वेरी गुड, बलविंदर बोल रही हूँ। अच्छा हाँ, ओके हाँ। तो अभी फोटो नहीं दिख रहा, सबका फोटो बंद है, तो ये बहुत बढ़िया। अब जरा अभी स्वाधिष्ठान चक्र में कौन सा ग्लैंड है, दूसरे स्थान में को बोलने दीजिए, बलविंदर जी आप रुक जाइए एक सर, मिनट दूसरे को। आगे नहीं, आपका मैंने पूछा स्वाधिष्ठान चक्र में कौन सा ग्लैंड है, चक्र कौन सा तत्व है में पिट्यूटरी बोला ना, आगे चक्र तत्व में पिट्यूटरी बोला ना, यस वो कौन, थायमस नहीं सर, आज्ञा चक्र पर कौन सा तत्व कौन सा है? अरे दीदी अभी पहले एक सवाल, जब एक प्रश्न हो रहा है आप दूसरे में डाइवर्ट कर रहे हैं, उस पर आप क्वेश्चन को रोक के रखिए एक मिनट, पहले हम ग्लैंड की बात कर रहे हैं, उस ओके पर हम बाद में आते हैं, पहले बताइए आगे ये स्वाधिष्ठान चक्र में कौन सा ग्लैंड है, कौन ओवरी सर बोल रहे हैं, एक बार प्रजनन मंजी दीदी क्या बोल रहे हैं, कौन सा ग्लैंड है,
इसका कंट्रोलिंग तो पता भी पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन यहाँ कौन सा ग्लैंड है यो नहीं पता। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका आ गया चक्र पे। और दादा क्लास में हूँ दादा जी, प्रणाम। हाँ मैं किया था कॉल आज दिन में, आप फिर करता हूँ थोड़ी देर। तो आपका आपका कौन सा ग्लैंड है स्वाधिष्ठान चक्र में, किसने बोला था? टेस्टिस और ओवरी बोला था ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आप बताइए कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मंजीत दीदी आप मत बोलना, बलविंदर दीदी आप मत बोलना, ये जो स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कौन बताएंगे? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है। जब बच्चे में स्राव होने लगता है, इसका जो भी उस चक्र पे होता है, तो टेस्टिस और ओवरी के जब हार्मोनल स्राव होने लगता है उनका, जो बच्चे बड़े होते हैं, तो उसको कंट्रोल करता है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड कब करता है, किस उम्र से? 12 वर्ष। 12 मतलब वही मतलब करीब कब वो जो प्रजनन शुरू हो जाती है, यानी उनके अंदर में वो हार्मोन सेक्स का जो ग्लैंड है वो डेवलप हो जाता है ना। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये जो मंजी दीदी जो बोल रही थी, क्या आप क्या पूछ रही थी मंजी दीदी? आज्ञा चक्र पे कौन सा तत्व होता है? आज्ञा चक्र पे कोई तत्व नहीं होता, सारे तत्वों का नियंत्रक होता है वो, इसीलिए हम पिट्यूटरी पे आके रुके और इस सवाल पर हम रुके। पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड, जरा आइए पहले तो अभी जो आप लोगों ने अभी जो मैं स्वाधिष्ठान चक्र का क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया, मास्टर ग्लैंड कहने से क्लियर हो गया। हाँ देखो अभी जो बात हुआ स्वाधिष्ठान चक्र का, वो क्या था, ये था मूलाधार हो गया, ये हो गया मूलाधार और ये हो गया स्वाधिष्ठान। देखो स्वाधिष्ठान चक्र में सब लोग देख लीजिए, ये मणिपुर है, सॉरी मणिपुर है, स्वाधिष्ठान दिख रहा है सबको? स्वाधिष्ठान चक्र में देख लीजिए, ये डेवलप कब होता है, स्वाधिष्ठान चक्र को कंट्रोल कब करते हैं, इसका संबंध पिट्यूटरी से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी तत्व नहीं होता, सारे तत्व का नियंत्रक होता है, मास्टर ग्लैंड होता है वो, इसलिए सारे सारे जो ये प्रकृति के जो नियंत्रण है वह सब आपके आज्ञा चक्र पे आके कंट्रोल हो जाते हैं। थर्ड आई चक्र, तीसरा नेत्र, इसलिए तीसरे नेत्र को जगाने के लिए भगवान शिव की शक्ति चाहिए, जो माताओं से ही ट्रांसफर होता है उनकी साधना से। इसलिए माँ अगर साधना करेगी तो बच्चा पहले से ही पुरुषार्थ होगा, पुरुषार्थी होगा। पुरुषार्थी का मतलब ये नहीं कि स्त्री पुरुषार्थी नहीं होगी, पुरुषार्थी का मतलब जो शिव चैतन्य होगा जिसके अंदर शून्य को और इस संसार को दोनों को बैलेंस करना है, जिसको जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों के साथ जिए, जो बंधन और मुक्ति दोनों को समझे, यानी कुछ आया तो उसको देना भी आना चाहिए। सर आज को जो फॉरेन स्टडी कर रहे हैं बच्चे, जहाँ समझ लो भी जहाँ से दिल्ली तक पहुंच गए, वो क्या कहते हैं नेट की स्टडी है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, वो तो इस स्टडी का उनको पता नहीं, पाठ तो लेकिन वो पूरा करते हैं, अच्छी तरह पाठ वो करते हैं, नित नेम 5 बाणी का पाठ करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत पता तो होता है, क्या उससे निरंतरण नहीं होता? फिर भगवान को तो वो मानते हैं। भगवान को जानते हैं कि मानते हैं? मानते जाने बिना कोई चीज मानते हैं आप? और मानते हैं, क्यों मानते हैं, बिना जाने क्यों मानते हैं? संस्कारों में मिलता उनको। हाँ संस्कार, हाँ तो संस्कार से जब मिला तो जान लिया ना, तो जानना तो होगा ना, जब जान के मानेगा तो ठीक करेगा। अब वो आधा पाठ कर रहा है, पूरा पाठ कर रहा है, उसको तो पूरा ज्ञान होना चाहिए ना। अब कोई गुरु ने क्या ज्ञान दिया, अब उस गुरु के ग्रंथ को पढ़ा, ठीक है, और जो जो ध्यान किया, उत्तम ब्रह्म सत्वा मध्यम ध्यान धारणा जपा स्तुति श्याधमा मूर्ति पूजा अधमा अधमा,
कोई मूर्ति की पूजा कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका भाव ब्रह्म का है। कोई रोटी पका रहा है, वह ब्रह्म का भाव के साथ रोटी पका रहा है। कोई कोई झाड़ू लगा रहा है, ब्रह्म के भाव के साथ ईश्वर का नाम लेते हुए जाप करते हुए। कोई खेती कर रहा है, कोई कंप्यूटर चला रहा है, वह ब्रह्म के भाव में यानी ईश्वर का नाम लेते हुए ईश्वर के भाव में जब कर रहा है, तो इसको हम साधना कहते हैं। यहाँ ब्रह्म भाव कहते हैं। यह ब्रह्म भाव आप जो लोग 6 लेसन ऑफ मेडिटेशन सीखेंगे उसमें 2nd लेसन में आप लोग ये ब्रह्म भाव को कैसे लेना है। श्वास श्वास जाप हर सेकंड जी श्वास के साथ जाप करना, श्वास के साथ पहला लेसन है जो ये लोग सीख करके आए। अंजलि दीदी और ये कविता बलविंदर सीख करके आए, और आप लोगों के लिए भी मैंने बलविंदर दीदी और मंजी दीदी के लिए भी मैंने व्यवस्था किया है। वो दीदी जो है अमृतसर में रहती है, पटियाला वाली दीदी अभी चली गई है अमृतसर में है। आपको आपके लिए वो लोग हो सकता है वो पटियाला या मोहाली या चंडीगढ़ आ जाएंगे। आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि आप लोग दोनों एक साथ एक जगह पे आ जाना। ठीक है जी, ठीक है। तो इस तरह से करके ये दोनों काम हो सकता है। अब हम लोग सर मैं यहाँ पे कुछ और क्लियर। एक मिनट दीदी, एक मिनट रुक जाइए, मुझे जरा ये बात आज का पूरा कर लेने दीजिए, ये चार्ट, फिर उसके बाद प्रश्न कीजिएगा। तो मैं इस चार्ट पे था कि आप लोग देखिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है, ये पांचों तत्वों को आप देख लिए, पांच चक्रों के साथ देख लिए, और पांचों चक्रों के साथ आपने देखा पांच तन्मात्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आपने देखा इसका संबंध पंचकोश के साथ किस तरह है। आपने इसको मतलब इस पर डिटेल क्लास एक दिन और या तो सुलोचना दीदी नहीं तो मैं आपको करवा दूंगा, तो ठीक है ना। इसको आप लोग इस चार्ट को ठीक से जो लोग समझे हैं तो लोग आप लोग हमको पूरा चक्र कोष और ये प्रकृति ये पंचमहाभूत के आधार पे ये आप इसको बताइएगा। और अगला स्लाइड जो आ रहा है ये पंच प्राण यानी प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, और फिर उसके बाद इन पांचों प्राण के जो आंतरिक प्राणायाम और बाहिक प्राणायाम, नाक, कूर्म, क्रिकेट, देवदत्त और धनंजय, ये जो जो मुख्य प्राण और बाह्य प्राणायाम यह सब और उसके तत्व यह सब आप लोगों ने सुना पढ़ा। अब यह भी कोरिलेट आपको पंचमहाभूत से करेंगे, और पंचमहाभूत से करने के बाद आप लोगों को मैं बताया कि यह सब का कंट्रोल आपका किससे है, आहार से। अगर आप लोग ऐसा कोई खाना खाते हैं प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली, तो आप लोग को इन कुंडलिनी जागरण की साधना में बाधा होगी, ठीक है। और एसिडिक फूड खाते हैं, एसिडिक फूड खाते हैं यानी अगर आप लोग यह खाना खाते हैं जिससे एसिड बनती है आपको, तो यह आपको कुंडलिनी जागरण में बाधा करेगा। और सात्विक आहार अगर लेते हैं, बिना फ्रिज में रखे हुए खाना खाते हैं, महर्षि बागभट की तरह अगर आप लोग खाना बनाने के 1 घंटे के अंदर में भोजन कर लेते हैं, और ऐसा नहीं कि सुबह का खाना को शाम को रात को गर्म करके खाते हैं, तब तो आप लोग समझ लीजिए कि सात्विक आहार लेंगे। और जो हमने भगवान कृष्ण की बात बोला, युक्त आहार विहारश युक्त चेष्य कर्मशु, आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी और आपका मन फिर कुंडलिनी जागरण में प्रवेश करेगा। क्योंकि आहार अगर ठीक नहीं होगा तो आपकी जो मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस नहीं होगी। और जो मैंने आपको ये दिखाया, ये देखिए प्राणायाम में देख रहे हैं ये फोटो, ये जो जो सज्जन प्राणायाम कर रहे हैं अनुलोम विलोम, इस पर मैंने श्लोक बताया था, ईड़ा भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी, तेयोर मध्य गता सुषुम्ना क्या सरस्वती, प्रयागराजे जत्र उच्यते तत्तृष्णा प्रकुर्वित सर पापा प्रमुच्यते। मैं इस स्लाइड को हटा के मैं आपको जरा फोटो दिखाता हूँ। देखिए अब आप देखिए, मैं मतलब मुझे देखिए आप लोग कि मैं ये आपके नाड़ी, ये प्राणायाम का ये मुद्रा, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो या वायु मुद्रा में भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये अब आप इसमें आपका जो आपकी जो ठंडी नाड़ी है जो बाई नासिका से चलती है, ईड़ा नाड़ी, अब ईड़ा नाड़ी को आपने जब बंद किया और बीच जो आपकी मत, मत ये है अनामिका,
इससे आपने इसको बंद किया, पिंगला को, पीड़ा पिंगला, ये आपका प्राणायाम का मुद्रा है। और आपने जैसे जब लिया, देखिए मैं दिखाने के लिए उठा के कर रहा हूं, नहीं तो आप हाथ ऐसे रख सकते हैं। आपने बाई नासिका से सांस लिया, यानी आपने ईडा यानी ठंडी नाड़ी, चंद्र नाड़ी को आपने एक्टिवेट किया और इसी से छोड़ा तो यह भी चंद्रभेदी, और इसी में आपने अगर चंद्रभेदी कपालभाति, चंद्रभेदी वशिष्ठ प्राणायाम भी कर सकते हैं, और इससे आपने लेके और सूर्य नाड़ी से छोड़ दिया, ये हो गया चंद्रभेदी प्राणायाम। इसी में आपने बंद और मुद्रा लगा लिया तो इससे आपकी कुंडलिनी जागरण सिर्फ इसी से शुरू हो गई मंत्र के साथ। अब आपने जब एक नाड़ी का शोधन किया तो फिर दूसरा आपने सूर्य से लिया और फिर सूर्य को बंद किया और चंद्र से छोड़ा, तो ये हो गया आपका सूर्यवेदी प्राणायाम। अब आप सोचिए कि जब आपकी ये चंद्र और सूर्य बैलेंस होगी, तभी होगी बैलेंस जब आपका आहार शुद्ध हो। आपका सुबह 5 बजे प्रातः काल जागरण होगा, 5 बजे मतलब प्रातः काल में आपका पेट साफ हो गया हो, 5 से 6 बजे सूर्योदय तक आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती हो, आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है जो वह उसी समय एक्टिव होता है। आप डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी की क्लास में अलग अलग ऑर्गन किस समय किस प्रहर में एक्टिव होते हैं, जैसे हार्ट लंग्स कब एक्टिव होता है, ब्रेन कब एक्टिव होता है, आपकी किडनी कब एक्टिव रहती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन कब एक्टिव रहती है, यह सब आपका अलग अलग प्रहर है, उस प्रहर के हिसाब से फिर उसके बाद यह जो पंचमाभूत के संबंध है उस पंचमाभूत के संबंध के अनुसार पंच प्राण जो प्राण अपान उदान व्यान समान जो आपका अलग अलग पांचों तत्व के अनुसार जो आपका पांच प्राण है उसके प्राणायाम के अलग अलग प्रहर और मंत्र है। और मंत्र मैंने आपको बताया कि वो आपके वृत्तियों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आज ये फाइनल क्लास मैं कर रहा था उन लोगों के लिए जो इतने दिनों से क्लास कर रहे थे, और जो लोग आज आए जैसे स्नेहल बहन है या नंदिनी बहन है, आप लोगों ने जो आज इंट्रोडक्शन भी अगर आपको हुआ तो आपको जितनी भी समझ में आए, ये लोग सब लोग 2-3 महीने से जो सीख रहे थे बाकी लोग, उसमें आप लोग ये समझो कि हमने आपको सिर्फ प्राणायाम के लिए इतनी बातें बताया। मेरी आचार्य बालकृष्ण जी से दोस्ती इसी प्राणायाम से हुई, और मैंने सिर्फ उनको इतना ही बोला था कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, और जितने भी हमारे जो योग के जितने भी सहपाठी जितने भी आचार्य हैं सब लोग, कुछ लोग हैं शीर्षासन सिखा देते और शीर्षासन बचपन में ही सिखा देते बच्चों, और बताइए जिनका अभी नीचे के चक्र अभी डेवलप हो रहे हैं अब उसको सीधे आप सहस्रार चक्र का आसन सिखा दोगे? नीचे के चक्र अभी डेवलप हो रहे हैं सीधे आप विशुद्ध चक्र का आसन सिखा दोगे, सर्वांगासन, उनको जलंधर बंद करा दोगे? अरे उनको ठीक है स्ट्रेचिंग आसन कराओ उनको, उनको धीरे धीरे अब स्ट्रेचिंग करो, फिर आगे सूर्य नमस्कार की तरफ जाओ, फिर उसके बाद आप उनको पश्चिम उत्तानासन कराओ, फिर आगे बढ़ते हुए आप जो फ्लेक्सिबल बच्चे हैं वृश्चिक आसन कराइए या जो कराना है कराइए। अब आप उनको उनको उस तरह के आसन जिस आसन से उनकी ग्रंथि रस के श्राव में डिस्टर्बेंस हो जाए, उस तरह के प्राणायाम जिससे कि उनका जो जो संबंध है चक्र मंत्र और प्राण का वह संबंध इम्बैलेंस हो जाए, फिर क्या फायदा? इसीलिए आधा अधूरा ज्ञान और शॉर्टकट सक्सेस इज वेरी डेंजरस, शॉर्टकट नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए आप लोग सब लोग पूरा सीखिए, पूरा जानिए। और मंजीत दीदी जो आपने प्रश्न किया कि वो भी कर रहे हैं, अरे करो तो पूरा करो ना, पूरा ज्ञान हासिल करो, और नहीं तो किसी गुरु के संपर्क में रह करके और उसको करो कि कैसे सीखना है कैसे करना है। गुरुओं ने सब कुछ दिया लेकिन अब उन गुरु को पूरा आप अध्ययन करोगे, अध्ययन करने के लिए समय दोगे। हमारे आश्रम में एक आया एक साइंटिस्ट, पेट्रोकेमिकल साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट साधना करने के लिए, आज वो ये छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के एडवाइजर हैं। अब वो उन्होंने जाके छत्तीसगढ़ में जब साधना सीखा तो उन्होंने किसान के स्वावलंबन, आर्थिक स्वावलंबन पर काम किया, और किसानों को क्या कराया? ऑर्गेनिक फार्मिंग। कैसे कराया? मिलाकर। अगर आज आप लोग पंजाब के किसानों के या विदर्भ के किसानों के आत्महत्या को बचाना चाहते हैं, फिर से पंजाब को वह ड्रग एडिक्शन से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको उनको खेती में
और जो प्रकृति की खेती है उससे वापस लाने के लिए आपको ये पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच कोश की साधना आपको खुद करनी होगी और करानी होगी। और वो किसान ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जब वो छोड़ दिए तभी उन्होंने केमिकल डाला, और केमिकल डाला, रासायनिक खाद डाला, तो प्रकृति खराब हुई। प्रकृति खराब होने के कारण हमारी बॉडी कैंसरस हुई, हमारे शरीर में आज कैंसर जो आज हो रहे हैं। एक शाकाहारी आदमी को भी कैंसर इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो केमिकल वाला खाना खाता है माँ के घर से, ठीक है ना। इसीलिए हम समाप्त करते हुए आप लोगों को ये आहार पर हम बात करना चाह रहे थे, और आहार पर ये देख लीजिए, आहार पर आप लोगों को ये वात पित्त कफ नियंत्रण करने का ये तीन चीज आप लोग समझ लीजिए। वायु दोष आपका वात को नियंत्रण करने के लिए क्या है, और अग्नि दोष को नियंत्रण करने के लिए क्या है, और जल दोष को नियंत्रण करने के लिए क्या है। निशांति पीयूष, सुबह सुबह पानी पीते हैं अगर आप उठते साथ, और जो लोग चाय नहीं पीते हैं, आपके जितने भी यहाँ लोग सुन रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में आपके स्टूडेंट्स जितने हैं जो योगा टीचर्स हैं, जो लोग चाय पीते हैं उनको आप लोग हर्बल ड्रिंक की तरफ ले जाइए, हर्बल टी की तरफ ले जाइए। धीरे धीरे चाय का एक बंद मत कीजिए, और उनको आप लोग पहले पहले उनको गर्म पानी पीने की आदत डालिए। अब बोले कि ठीक है आप लोग को एक ड्रिंक लेना है अगर, क्योंकि उनको टॉयलेट नहीं आएगा उसके बिना, तो उनको पहले ग्रीन टी की ओर ले जाइए, ग्रीन टी के बाद फिर टी बंद कीजिए, और फिर उसके बाद सिर्फ हर्बल हर्बल ड्रिंक पीजिए, यानी जो ग्रीन जूस है, उसके बाद आप गर्म पानी से और नींबू पानी से भी पेट साफ होने लगेगा। तो ये आपका निशांत भी जल दोष को ठीक करता है। उसके बाद है दिन में भोजन के अंत में भोजनांत पिबेत्तक्रम, आपको पित्त दोष को नियंत्रण करेगा। और शाम को दिनांत पिबेत् दुग्धम, और दूध कौन सा, ये ए2 मिल्क, जो देसी गाय का दूध हो, ये नहीं कि जर्सी गाय के दूध, और जो गाय जहाँ नहीं होती, गिर की गाय को आप ले आओ पंजाब में वो नहीं चलेगा, जो साहिवाल की और राठी की गाय पंजाब हरियाणा में है उसको आप ले जाओगे वहाँ गुजरात में, और गुजरात की गाय को ले आओगे आप दिल्ली में, ऐसा नहीं चलेगा। और विदेश की गाय को ले आओगे यहाँ तो उससे वो प्रकृति नहीं हुआ, जो जिस नस्ल की जहाँ होती है और जिस जगह का चारा वो घूम कर खाती है, उसका गाय, उस गाय का दूध, ऑर्गेनिक चारा को खाया हुआ गाय का दूध, मतलब उसका चारा भी ऑर्गेनिक होना चाहिए, और चारा जो उगाया हुआ है मतलब वो गोबर गाय के, ऑर्गेनिक गाय के गोबर से उगाया हुआ चारा, इतना बड़ा साइकिल है। और ये साइकिल पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है, इसीलिए दूध आज हमें बीमारियां कर रहा है, राइट। तो यह जब देसी गाय की दूध आप पीते हैं तो आपको ये आपका वात दोष नियंत्रण करता है, और जितने भी तरह के जोड़ों के दर्द होते हैं वह सब देसी गाय की दूध में आप खूब बढ़िया देसी गाय का घी डाल के आप पिलाओ पिलाओ, देखो सब वात रोग कंट्रोल हो जाएगा, और बड़ा से बड़ा जोड़ों का दर्द कंट्रोल हो जाएगा। ये चीज है, लेकिन क्यों करता है, क्योंकि वो पित्त दोष को और जल दोष को नियंत्रण करता है, इतना बढ़िया है काम है। तो वैदर्शिकीन प्रयोजन वात पित्त कफ सिर्फ इन तीन चीजों से नियंत्रण, तो हमारे सारे आहार में ही सारा विज्ञान ये सब सब छुपा है। और ये जो आयुर्वेद की परिभाषा मैंने अंत में लाया, इसीलिए समदोषा समग्निश समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मी इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते, अमिधीयते नहीं है अभिधीयते, यानी आपका वात पित्त कफ ये तीनों नियंत्रण होगा, आपका मल मूत्र ठीक चलेगा, आप सुबह में पेट साफ अच्छे से होगा। छोटे छोटे बच्चों को आजकल पेट नहीं साफ होता, उनका पाइल्स हो जाता, उनको कब्जियत रहता है, तो ये सारा चीज आप लोग ठीक करना शुरू कर देंगे। और नेचुरोपैथी आप लोग घर में चिकित्सा सीखेंगे, कब गर्म पट्टी देना, कब ठंडा पट्टी देना, कब कहाँ में माटी लेप लगाना, कौन सा खाना खाना, कौन सा नहीं खाना, पेट कैसे साफ करना, ये किधर गर्म सेकाई देना, ठंडा सेकाई देना, कौन से पार्ट को मालिश करना, ये सब सब सीखेंगे, ठीक है ना। आसन, आसन में किस तरह से ये जो प्राणायाम आप कर रहे थे, ये ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना की बात किए ना, ईड़ा यानी पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम ईड़ा, और सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम पिंगला, ये दोनों लिखा हुआ है, और इसकी आप लोग बड़ा करके, जिसके पास मोबाइल है आप लोग बड़ा करके देखो ये कैसे ये है। मैं थोड़ा सा आपको भी, मैं अगर इसको बड़ा कर दूं तो देखो आप लोग, थोड़ा सा जो लोग लैपटॉप में बैठे होंगे देख लीजिए, ये आप लोग देखिए जरा,
कि क्या गड़बड़ी हो रही है, ये नाड़ी अगर आपकी बहुत एक्टिव हो गई तो, ये आप लोग अगर तामसिक भोजन करते हो तो आपको डायबिटीज बनी रहेगी। और जिन लोगों ने तामसिक भोजन, मतलब आज आप लोग हो सकता है सात्विक खा रहे हो, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ठीक है, लेकिन आपने अगर बहुत सारा तामसिक भोजन पहले किया हुआ है तो आपको तुरंत डायबिटीज नहीं ठीक होगा बिना डिटॉक्सिफिकेशन किए हुए, और आपको पूरे शरीर को सात्विकता की ओर गुजारते हुए आपको चक्रों की साधना करनी होगी, तब जाके आपका पारा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और फिर दोनों बैलेंस होगा, ठीक है ना। ये फिर उसके बाद ये काम होगा। और अब आइए प्राणायाम मेडिटेशन, प्राणायाम पर बात कर लिए, मेडिटेशन पर हम आपको ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि आपको मेडिटेशन ऐसा होना चाहिए जो मंत्र के साथ जुड़ा हो, इस पर हम अलग से एक दिन क्लास लेंगे मेडिटेशन, ठीक है। आज मैं आपको शरीर, मंत्र, संस्कार, प्राण, इस पर हम बताना चाह रहे थे, और संस्कार पर हम आपको एक क्लास और लेंगे जब हम मेडिटेशन पर बात करेंगे। मेडिटेशन का ये तस्वीर देख लीजिए, इस पर हम क्लास लेंगे अलग से, यानी लेजर पर हम कैसे आपका मन कई विचारों में रहते हुए एक एक विचार बन जाएगा, और वो कैसे बनेगा, उसकी साधना क्यों, श्वास के साथ, बीज मंत्र के साथ, चक्रों को खोलते हुए आपको साधना करने की आवश्यकता है, ये आप लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये सब है, और इनको क्लियर करो। डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर हैं जी हमारे शिविर में, ये लोग मेडिटेशन किए थे, तो मैं आपको ही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप लोग सब लोग बढ़िया से एक ऐसे डॉक्टर बने कि इस मानव समाज का कल्याण हो और सर्व चिंता परित्याग और निश्चिंत उच्यते। अंत में चलते चलते हम आपको निवेदन करते हैं हमेशा कि सुबह की क्लास आप लोग नहीं कर पाते हो तो कम से कम कौशिकी सीख लो, और कौशिकी सीख करके आप लोग ये पंच कोश को नियंत्रण करो, और ये 22 तरह की जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, और या 22 तरह के आपको फायदे होते हैं इससे, ठीक है। ओके, ये चार्ट फिर से हम आपको शेयर कर देंगे, और आप लोग सब लोग जो भाई लोग हैं या वो लोग के लिए तांडव है, माता बहनों को तांडव नहीं करना है क्योंकि उनके एंड्रोजन हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे दाढ़ी मूछ आ जाता है, इसीलिए उनको नहीं करना। राइट, थैंक यू, नमस्कार। सर मेरे क्वेश्चन है, मैं बोलूं? हाँ एक मिनट, अभी एक कोई प्रश्न किए थे वो मैं बता दूं कि कोई बोले थे आपसे कैसे जुड़ना है, तो आप जुड़े ही हो, हमसे कोई अलग है ही नहीं, आप और हम, आपने एक क्लास कर लिए मतलब जुड़ गए, क्या है ज्ञान, देखिए हमारा कुछ है ही नहीं, ये सब परमात्मा का दिया हुआ है और हमने परमात्मा को दिया है। आपके पास हमने जो, आपने जो लिंक देखा हो उसके नीचे हमारी वेबसाइट दी हुई है, ये फोन नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, ये मैं और मेरी पत्नी योगाचार्य मोक्षा आनंद, मेरा नाम अंतरंग आनंद देवी, तो हम लोग आपकी सेवा में हाजिर हैं, और ये जो ज्ञान है ये पूरी तरह निशुल्क है, आप लोग इस साधना को करिए, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए और मानव समाज का कल्याण कीजिए। जो चिकित्सा वाला पार्ट है वो चिकित्सक बनने के लिए उसमें कुछ हम लोगों ने सेवा शुल्क रखा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कि अगर मान लीजिए आर्थिक दिक्कत से गुजर रहा है तो वह पैसे के कारण उसकी कोर्स को हम लोग बंद नहीं करते, लेकिन उसको हमारे साथ जुड़ करके काम करने की आवश्यकता है सेवा में, ठीक है ना, तो यही हमारे जुड़ने का तरीका। जी बोलिए मंजी दीदी। एक तो पंजाब की गाय